हाय एवरीवन, मेरा नाम याशनी नागराजन है और इस बार की यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में मेरा 57th रैंक आया है। मैं शुरू में ही कह देना चाहती हूँ कि ये वीडियो हिंदी में रहेगा। फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर इंग्लिश, आई हैव डन अदर्स वेबिनार्स इन इंग्लिश, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू मे हैव अ लुक एट दैट, बट दिस वीडियो विल बी इन हिंदी। और हिंदी में भी मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली ओरिजिनली तमिलनाडु से है और मैं पली बड़ी अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में हूँ, तो अगर मेरी हिंदी में भी कुछ अगर गलतियाँ हों तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा ये चौथा प्रयास था। इससे पहले मुझे एक बार 834th रैंक आई थी और इस बार मेरी 57th रैंक आई है, और मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन विथ वर्क किया है। मैं अभी करेंटली RBI में एज ग्रेड बी ऑफिसर एम्प्लॉयड हूँ, और मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन विथ फुल टाइम जॉब के साथ ही किया है। और इस वीडियो में मैं मेनली अपनी जर्नी, कैसे मैंने 834 से 57th अपना रैंक सुधारा, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं बेसिक्स में इस वीडियो में नहीं जाऊंगी, मैं मेनली अपनी जर्नी, कैसे मैंने अपना रैंक सुधारा, हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम कई बार इग्नोर कर देते हैं वो है खुद को मोटिवेटेड रखना। अपने पे कॉन्फिडेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने पे भरोसा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम अपना प्रिपरेशन शुरू करते हैं, कोशिश तो यही रहती है कि कम से कम समय में निकल जाए, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लियर हो जाए, बट कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है और जैसे जैसे आपके अटेम्प्ट्स बढ़ते जाते हैं, हम अपने पर से विश्वास खोने लगते हैं, हमारा खुद पर से भरोसा उठने लगता है। इस दौरान ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पे फुल लाइक ट्रस्ट रखें, खुद हैव लाइक फुल कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ये मेरा, जैसे कि मैंने बताया, ये मेरा चौथा प्रयास था और पहली बारी में मेरा प्रिलिम्स ही नहीं निकला था, तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत शॉकिंग रहा था, क्योंकि मैं एकेडमिकली अभी तक बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। मैं अरुणाचल के छोटे से शहर से भी मैंने CBSE में रैंक 13th हासिल की थी ऑल इंडिया क्लास 12th का। सो जब मैंने फर्स्ट प्रिलिम्स जब मेरा फेल हुआ तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग रहा, और उसके बाद भी नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा इतना जितना मेरे को एक्सपेक्टेड था उतना अच्छा रैंक नहीं आया, 834th आया, और तीसरे अटेम्प्ट में तो मुझे कुछ सर्विस अलॉट नहीं हुई थी। सो इस दौरान ऐसे उतार चढ़ाव के समय ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पे पूरा विश्वास रखें। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस दौरान बहुत सपोर्ट किया था, तो मैं फिर से इस बात पे स्ट्रेस करना चाहती हूँ कि आप खुद पे कॉन्फिडेंट रहे, फुल फोकस के साथ सच्चे मन से पूरा प्रयास करें, सच्चा प्रयास करें। और अगर आपको लगता है कि ये प्रोसेस थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है या और द प्रोसेस इज़ गेटिंग अ बिट टैक्सिंग, तो आप थोड़ा सा ब्रेक लेने का भी सोच सकते हैं। जैसे मैंने एक साल ब्रेक लिया था और मेरी क्या क्या गलतियाँ थी, मेरी प्रिपरेशन में क्या खामियाँ थी, उसको मैंने सही करने का प्रयास किया और इस बार ही मैंने अच्छा रैंक लाया है। और नेक्स्ट, मैंने इस बार ही क्या अलग किया, मैंने इस बार ही फर्स्ट टाइम अपना ऑप्शनल बदला। अब तक मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा है और इस बार ही मैंने PSIR के साथ, ये मेरा पहला प्रयास था। मैं ये नहीं कहना चाहती कि ज्योग्राफी एक बुरी ऑप्शनल है और लाइक इट्स नॉट स्कोरिंग या मार्क नहीं ला सकते हैं। कई लोग टॉप 50, टॉप 30 में भी रैंक ला रहे हैं ज्योग्राफी से, लेकिन समहाउ मेरा मार्क कभी नहीं आया ज्योग्राफी में। तो यहाँ पे मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहती हूँ कि आप जब अपना ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहे हैं, ये आप बहुत सोच समझ के अपना ऑप्शनल सेलेक्ट करें, मेरी तरह ये गलती ना करें। मैंने क्या किया था, मुझे इतना आइडिया नहीं था एग्जामिनेशन प्रोसेस का, तो सारे दोस्त ज्योग्राफी ले रहे थे, मैंने भी वही ले लिया। बट मेरी ये सुझाव रहेगी आपको कि अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो आपके मन में है, जिसके आप श्योर है उसके उस सब्जेक्ट के बारे में, जैसा आपका पसंद का कोई सब्जेक्ट है, जैसे लिटरेचर सब्जेक्ट हो गया या आपका ग्रेजुएशन का कोई सब्जेक्ट है, तो आप बेझिझक उसे लें। लेकिन अगर आप दो तीन सब्जेक्ट में अगर कन्फ्यूज़ हैं, आपको सही नहीं बैठ रहा कौन सा ऑप्शनल लेना है, तो मेरी ये सुझाव रहेगी कि आप पहले जनरल स्टडीज़ पढ़ें, वहाँ पे आप देखें कि आपको किस साइड ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, उसके बाद आप उस सब्जेक्ट का नोट्स ले सकते हैं, पढ़ के देखें, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखें, फिर ही एक उसके बाद ही एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। मेरी तरह गलती ना करें, कुछ भी ऐसे नहीं, प्लीज़ मत लीजिए। जैसे मुझे ज्योग्राफी लेने के 2-3 महीने में ये रियलाइज़ हो गया था कि ये सब्जेक्ट मेरे पसंद का नहीं है, बट कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई इससे पहले कि मैं चेंज कर सकूं। सो आप शुरुआत में ही आप एक सोच समझ के अपना ऑप्शनल लें।
सो जैसे कि मैंने बताया PSIR मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट था, तो इसका प्रिपरेशन मैंने जनरली ऑलमोस्ट सेल्फ स्टडी से की। मैंने शुभ्रा रंजन मैडम्स के नोट मंगवा लिए थे और मैं ऑफिस आवर्स के बाद खुद से पढ़ने का प्रयास करती थी। इनिशियली मुझे काफ़ी परेशानियां हुई और मेरे फ्रेंड्स जिनका ऑलरेडी वो सब्जेक्ट है उन लोगों ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। तो इसके द्वारा मैं ये नहीं कहना चाहती कि एक ऑप्शनल बुरा है या एक अच्छा है, बट समहाउ मेरे से उसमें ज्योग्राफी में कभी मार्क नहीं आया। मेरा 230 240 के ऊपर कभी नहीं आया। इस बार ये मार्कशीट तो नहीं आए हैं, बट ऐसा लगता है कि PSIR में अच्छे मार्क्स आए होंगे। सो बॉटम लाइन इज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप एक सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं या फिर इफ़ यू फील कि ऐसे मिड कोर्स करेक्शन कर सकते हैं, तो ना घबराएं। आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो भी आप सब्जेक्ट लेते हैं उसे फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप प्रिपेयर करें और डिलीवर करें। और इस बारी मैंने क्या करेक्ट किया, जैसे मैंने कहा एक तो मेरा ऑप्शनल में कम मार्क आ रहा था तो उसको मैंने करेक्ट किया, और मैंने अपने वीक एरियाज़ आइडेंटिफाई किया। जैसे कि एसे में मुझे बहुत एवरेज मार्क आते थे, एथिक्स में मुझे बहुत कम मार्क आते थे, तो ये सब में मैंने इम्प्रूव करने का कोशिश किया। जैसे कि ऐसे में मैं फिलोसॉफिकल टाइप्स जो ऐसे होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट ऐसे जो होता है, उसमें मैं बहुत डरती थी उन ऐसे से, उनको मैं अवॉइड करती थी। तो इस बार मैंने वो नहीं किया, इस बार मैंने शुरू से ही उन्हें काफ़ी प्रिपेयर किया। इसके लिए मुझे जो कनिशा कटारिया सर के ब्लॉग और गौरव अग्रवाल सर के ब्लॉग, वहाँ से भी मैंने बहुत टिप्स लिए, और इस बार मैंने बहुत प्रैक्टिस किया ऐसे। इवन जो नॉर्मल ऐसे टॉपिक्स होता है, जो जनरल टाइप जो ऐसे टॉपिक्स होता है, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, मीडिया, डेमोक्रेसी और लाइक साइबर, इंटरनेट, ऑल दीज थिंग्स, ये सब भी जैसे कि सेम क्वेश्चन तो हर साल नहीं आता, बट थीम जनरली आपको पता है कौन कौन सा थीम इम्पॉर्टेंट रहता है। सो ये सब थीम में भी मैंने पहले से ही जैसे 30 मिनट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग करके क्या क्या पॉइंट में लिखूंगी, क्या कैसे स्ट्रक्चर करूंगी, और इसमें क्या क्या कोट्स में यूज़ कर सकती हूँ, जैसे एजुकेशन पे एक कोट, जस्टिस पे एक कोट, ये सब मैंने रेडी रखा था। तो बेसिकली जो पॉलिशिंग का जो काम था वो मैंने ऐसे हॉल के पहले ही रेडी रखा था। मार्कशीट्स तो नहीं आए हैं अभी तक, बट आई थिंक ऐसे में मुझे इस बार भी अच्छे मार्क्स आए होंगे। और जैसे कि मैंने बताया एथिक्स में भी मेरे कम मार्क्स आते थे, तो इस बार मैंने एथिक्स में केस स्टडीज़ में बहुत फोकस किया। मुझे लगता है कि केस स्टडीज़ एक ऐसा एरिया है जहाँ पर वो ब्रिज आता है, लाइक मैक्सिमम मार्क डिफरेंस वहीं पे आता है। तो केस स्टडीज़ में भी, एथिक्स केस स्टडीज़ में भी हमें पता है जैसे क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जैसे एक कोई बेनिफिशियरी है उसका डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है, या फिर कोई ट्राइबल है उसका लाइक डेवलपमेंट वर्क से उसका हैबिटेट इफेक्ट, सॉरी लाइक लैंड एरिया इफेक्ट हो रहा है, या फिर किसी के पास इनफ पैसे नहीं है तो उनका क्या किया जाए। सो जनरल थीम्स हमें पता है, तो उसका भी मैंने पहले से व्हाट ऑल ऑप्शंस कुड बी देयर और उसके प्रोज उसका एंड कॉन्स, वो सब मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर रखा था इस बारी। जैसे कि कोई स्टूडेंट है उसके पास इनफ पैसे नहीं है स्टडीज़ के लिए, तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि मैं उसका फ़ंड कर दूँ स्टडीज़, उसके प्रोस कॉन्स। सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि हम इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसके प्रोस कॉन्स। थर्ड ऑप्शन ये हो सकता है कि लीडर्स, पॉलिटिशियंस और या फिर कोई गवर्नमेंट स्कीम्स, वो सबसे हम हेल्प ले सकते हैं। और चौथा, मैंने जैसे कुछ इनोवेटिव अगर आइडिया है तो वो भी मैंने लिख के रखा था। जैसे आप ये सोच सकते हैं कि क्राउड फंडिंग भी हम कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने प्रोबेबल सिचुएशंस, प्रोबेबल ऑप्शंस और उसके प्रोस कॉन्स पहले से ही एक समरी बनाकर रखा था, जो मुझे केस स्टडीज़ में आई थिंक काम आया। और अब हम आते हैं जनरल स्टडीज़ 1-2-3 पेपर पे। मेरा हमेशा फोकस मेनली मेंस पे रहा है, क्योंकि प्रिलिम्स, देखिए प्रिलिम्स तो एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, एक्चुअल रेस जो है आपका मेंस है। सो जनरल स्टडीज़ 1-2-3 पेपर में आंसर राइटिंग जनरली सेम ही रहता है। जैसे मैंने फॉलो किया इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन फॉर्मेट। ये जो है ये आपका प्रैक्टिस से आएगा, वो आपकी लाइक विचारधारा ही उस लाइक यू कैन इवॉल्व योर थॉट प्रोसेस इन दैट इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन फॉर्मेट। तो वहाँ पे एग्जाम हॉल में टाइम वेस्ट ना करें ये सोचने के लिए कि मैं क्या इंट्रोडक्शन लिखूं या क्या कंक्लूजन लिखूं। बहुत सिंपल सा आप इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में मैं जनरली फैक्ट्स लिखती थी, जैसे एक पॉवर्टी पे क्वेश्चन आ गया, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे एक पॉवर्टी पे क्वेश्चन आ गया,
आप इंट्रोडक्शन में ये लिख सकते हैं कि जैसे कि कितना रंगराजन कमेटी ने कहा है, इतना परसेंट इंडियन पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन, और या फिर आप कह सकते हैं ऑक्सफैम रिपोर्ट ने कहा है 1% ऑफ पॉपुलेशन ओन 70% ऑफ वेल्थ। उसके बाद में बॉडी में आप प्रोज और कॉन, मैं जनरली प्रोज एंड कॉन्स दोनों एनालाइज करती थी, और कंक्लूजन आपका कुछ भी एक शॉर्ट कंक्लूजन हो सकता है। जनरली मैं फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन या फिर प्रोग्रेसिव कंक्लूजन यूज़ करती थी, जैसे कि जैसे ये सेम पॉवर्टी क्वेश्चन में आप एंड कर सकते हैं, जैसे SDG गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, एलिमिनेटिंग पावर्टी ऐसे। और जैसे कंक्लूजन में मैं जैसे कि ये सब भी यूज़ करती थी, अगर कुछ भी इकोनॉमी पे क्वेश्चन आ गया तो आप ऐसा लिख सकते हैं टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2022। और कुछ भी अगर जैसे कि फार्मर पे क्वेश्चन आ गया तो आप लिख सकते हैं टू डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022, या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स का नाम लिख सकते हैं। मेन थिंग इज़ आप प्रैक्टिस करें और एग्ज़ाम हॉल में सोचने पे टाइम वेस्ट ना करें। मैंने आंसर राइटिंग पे एक बहुत डिटेल्ड आर्टिकल लिखा है अपने ब्लॉग में, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, याशनी इन yashninin.wordpress.com, आप उस पे जाकर भी देख सकते हैं। और या इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया, और बॉडी में मैं जनरली प्रोज एंड कॉन्स जैसे मैंने बताया दोनों एनालाइज करती थी। और अगर एक क्वेश्चन के जैसे कि सब पार्ट्स है, जैसे एक 15 मार्क का क्वेश्चन है उसमें 4-5 क्वेश्चन है, तो आपके लिए तो बहुत ही काम इजी हो गया, वो सब पार्ट्स को आप आंसर कर दीजिए और बस काम खत्म। अगर ऐसे एक ही क्वेश्चन है और आपको इतना आइडिया नहीं हो रहा कि कैसे हम टैकल करें, तो आप उसको लाइक डिफरेंट सेक्टर्स में आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि सोशली, इकोनॉमिकली, पोलिटिकली ऐसे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, आपका वुमेन एम्पावरमेंट पर कोई क्वेश्चन हो गया तो आप ऐसा लिख सकते हैं इकोनॉमिकली क्या है, जैसे वेज डिस्पैरिटी है, ग्लास सीलिंग है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम है, पॉलिटिकली इनफ रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और इनफ लाइक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स वो नहीं है, कल्चरली देर आर मेनी सोशल ईविल्स लाइक मेनी प्रैक्टिसेस, डाउरी एंड ऑल दोज थिंग्स, सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी इज एन इश्यू। सो इस तरह से आप लाइक डिफरेंट सेक्टर्स को अगर आप पकड़ के चलते हैं तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स भी मिलेगा एंड यू कैन एक्सपेंड इट वेल ऑल्सो। ये सेम अप्रोच आप एसे में भी यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, आंसर राइटिंग पे आप डायग्राम या फ्लो चार्ट या कुछ कुछ होता है तो वो भी आप यूज़ करने से ना हिचकिचाए। वहाँ अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एग्जाम हॉल में बैठ के ना सोचे कि मैं क्या डायग्राम बनाऊं, बट लाइक ये प्रैक्टिस करें और ये खुद आएगा। और जैसे कि नॉर्थ ईस्ट पे कोई भी एक क्वेश्चन हो गया तो एक छोटा सा नॉर्थ ईस्ट का मैप आप साइड में बना सकते हैं, 8 स्टेट्स को आप नेम कर दीजिए। इवन जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन में भी मैं, जैसे कि लास्ट टाइम अगर मलेशिया का एक क्वेश्चन आ गया था तो मैंने इंडिया बनाया था और साइड में मलेशिया कहाँ है वो दिखा दिया था, इंडियन ओशन। सो ऐसा नहीं है कि आपका डायग्राम बहुत पिक्चर परफेक्ट आर्टिस्टिक होना है, बट इट शुड बी रेलेवेंट और यूज़ करने से ना हिचकिचाएं। और इस अटेम्प्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने की और मैं सबको सजेस्ट करूँगी इज़ मैंने दो चीज़ों का बहुत इस्तेमाल किया, एक है मॉक टेस्ट पेपर्स और सेकेंड है करंट अफेयर बुकलेट। सो मैंने विजन का करंट अफेयर, वो जो मंथली बुकलेट आता है, मैंने वो पढ़ा। आप कोई भी पढ़ सकते हैं लेकिन आप एक बार ही बस ना पढ़ें, आप उसे कंटिन्यूअस रिविजन करें। तो मैंने करंट अफेयर्स बुकलेट को मैंने टेक्स्ट बुक जैसा बार बार रिवाइज किया, और मॉक पेपर्स जो होते हैं इंस्टीट्यूट्स के, मैंने फोरम से टेस्ट सीरीज़ लिया था GS का, और इसके अलावा मैंने विजन का, वाजीराम का, सारे का मैंने टेस्ट पेपर्स डाउनलोड करके मैंने उनके मॉडल आंसर्स पढ़े थे। जैसे यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हम सोचते हैं कि हमने 20 टेस्ट सीरीज़ लिखा या 30 टेस्ट सीरीज़ लिखा, हमारा काम पूरा हो गया, बट मेरे हिसाब से वो बहुत गलत अप्रोच है। आप कितना टेस्ट दे रहे हैं दैट डजेंट मैटर, बट आप हर एक टेस्ट से कितना गेन कर रहे हैं और कितना इम्प्रूव कर रहे हैं दैट मैटर्स। सो मेरे लिए जैसे मैं अपना शेड्यूल बताती हूँ, मैं जैसे कि अगर एक पॉलिटी का टेस्ट है तो मैं 3 दिन जैसे पॉलिटी का थियोरी पढ़ती थी, 1 दिन मैं पॉलिटी से रिलेटेड पूरा वो करंट अफेयर का बुकलेट पढ़ती थी, और जो मॉडल पेपर्स जैसे कि विजन बाजीराम का जो मॉडल टेस्ट पेपर्स है उनके जो सोल्यूशंस है वो भी पढ़ती थी, उसके बाद मैं एक टेस्ट देती थी। लेकिन मेरा जो काम है, जैसे वो 3 घंटे का टेस्ट देने के बाद मेरा काम पूरा नहीं हुआ, मैं वो 3 घंटे टेस्ट देने के बाद मैं उसका मॉडल आंसर्स देखती थी, मैं ये देखती थी कि मैंने क्या क्या चीज़ नहीं लिखे और मॉडल आंसर्स में क्या क्या एनरिचिंग पॉइंट्स है वो देखती थी, और उसे भी अपने आंसर्स में नेक्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट करती थी।
और जैसे कि जो टॉपर्स, इसके अलावा जो टॉप टॉप स्कोरर्स है वो एग्जाम के, टॉप स्कोरर्स के भी मैं पेपर देखती थी कि मैंने क्या क्या नहीं लिखा जो इस लड़के ने या लड़की ने लिखा है, तो उनके पॉइंट्स भी मैं लेती थी. सो लाइक विथ ईच एग्जाम आई इम्प्रोवाइज्ड, मेरा मेरे मार्क्स अच्छे होते गए, मेरा प्रोग्रेस हुआ. एंड इट सो हैपेंड कि लाइक टुवर्ड्स द एंड फोरम के जितने भी टेस्ट रहते थे उसमें मैं टॉप 5, 10 या 15 रैंक के अंदर ही रहती थी. मैंने अपना पूरा टेस्ट आंसर स्क्रिप्ट जो है मैंने अगेन अपने ब्लॉग पे सारा अपलोड किया हुआ है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं. सो बॉटम लाइन इज मैंने क्वेश्चन बैंक्स और विजन, ये करंट अफेयर्स बुकलेट का बहुत यूज़ किया. इवन पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में भी मैंने 4 टेस्ट दिए थे, बट शुभ्रा रंजन मैडम के 25 टेस्ट के मैंने सारे आंसर, सारे सॉल्यूशंस को पढ़ा था और उसे रिवाइज भी किया था. तो मेरे पास जैसे कि लाइक 200-300 क्वेश्चंस का लाइक क्वेश्चन बैंक रेडी था. तो किसी भी टॉपिक पे आता तो मेरे पास फॉर्डर पॉइंट्स थे, तो उसे मैंने टेक्स्ट बुक जैसा यूज़ किया है. सो मॉडल टेस्ट पेपर्स और करंट अफेयर बुकलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अवॉइड ना करें. और ये आप ना सोचें कि जब मैं, अगर मैं कह रही हूँ कि करंट अफेयर बुकलेट या मॉडल टेस्ट पेपर्स उस पर बहुत सारे पैसे खर्च करने हैं, या फिर जो दिल्ली में नहीं है वो नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. टेलीग्राम पे अगर आप जाएं, ये सब कुछ ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है. इवन साइट्स भी, इंटरनेट में भी कई साइट्स है जैसे कि freeupscmaterial.org और आई थिंक upscpdf.com, ये सब में ये फ्री के अपलोडेड हैं सारे नोट्स, सारे टेस्ट सीरीज लेटेस्ट, जब मैंने भी वहीं से डाउनलोड किए हैं. तो ऐसा नहीं है कि अगर मतलब कहीं बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा ये सब टेस्ट पेपर्स को लेने के लिए, आप फ्री का डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ से. तो ये हो गया मेंस का. अब अगर हम इंटरव्यू की बात करें, तो इंटरव्यू जनरली आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है. आप अपना डैफ अच्छे से प्रिपेयर करें और जो भी करंट अफेयर्स हो रहा है वो अच्छे से प्रिपेयर करें. जनरली मैंने, मैं सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ती थी, द हिंदू पढ़ती थी, बट इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू के 2-3 महीने पहले से मैंने इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन कॉलम भी पढ़ना शुरू किया था, और समटाइम्स मैं राज्यसभा टीवी डिबेट्स भी देखती थी. और इंटरव्यू जनरली आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है. प्लीज़ उसमें आप कुछ भी ऐसे डबल थॉट्स ना रखें कि लाइक जैसे मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, या अगर मैं रीजनल बैकग्राउंड से हूँ, या फिर मेरा अगर बैकग्राउंड इतना सही नहीं है, और या फिर मैं कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूट से ना हूँ. प्लीज़ ये सब सेल्फ डाउट्स ना रखें. ऑल दिस डजेंट मैटर, यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट, काम एंड कॉन्फिडेंट, दैट्स ऑल. ये हो गया मेंस और इंटरव्यू का. सो एक बार जैसे कि मैंने कहा, मेरा पहला प्रयास में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था, तो एक बार मैं प्रीलिम्स का भी बोल देती हूँ कि मैंने क्या गड़बड़ की थी. ऐसा नहीं है कि मेरे प्रिपरेशन में कुछ कमी थी, मेरी प्रिपरेशन सही थी, बट कुछ बेसिक थिंग्स मैंने इग्नोर कर दिए थे. आप ये ना करें. जैसे मैंने क्या किया था, मैं जनरली रात को जगने वाली टाइप की हूँ. मैं सुबह 4-5 बजे सोती थी और लाइक 1-2 बजे उठती थी दिन के. तो ये जो मेरा स्लीप साइकिल था, ये मैंने प्रीलिम्स के कई पहले चेंज नहीं किया था. तो इन द प्रीलिम्स हॉल मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था. लाइक आई वॉज नॉट एबल टू रिकलेक्ट पॉइंट्स, सही से मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा था. तो आप ऐसा ना करें, आप एटलीस्ट प्रीलिम्स के 1 महीने पहले अपना स्लीप साइकिल चेंज कर दें. प्रीलिम्स या मेंस के भी, मेंस में तो और भी 2-2 पेपर होते हैं एक दिन में, तो आप 1 महीने पहले अपना स्लीप साइकिल सही कर लें और एग्ज़ाम की तरह खुद की बॉडी को लाइक प्रिपेयर कर लें. और प्रीलिम्स में मैंने एक और गलती क्या की थी, ये आप खुद का कॉल ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मैंने बहुत कम क्वेश्चंस अटेंड किए थे. मैंने हार्डली 58-60 क्वेश्चंस अटेंड किए थे. और उसके बाद से मैंने जितने भी प्रीलिम्स अटेम्प्ट किए हैं, उसके बाद से मैंने एटलीस्ट 85-90 क्वेश्चन करने का ट्राई किया है. तो ये आपके ऊपर है, बट मेरे हिसाब से एनी अटेम्प्ट लेस देन 60 क्वेश्चन कैन बी डेंजरस. आप अगर आपकी गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो आप देखिए कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं. अगर आप थियोरटिकल क्वेश्चंस में, इजी क्वेश्चंस में अगर गलती कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ रेड वार्निंग. वो बहुत भारी पड़ सकता है आपको. थियोरटिकल क्वेश्चंस आर जनरली इजी क्वेश्चंस, जो आपका पॉलिटी हिस्ट्री का जो क्वेश्चंस है वो आप अच्छे से थियोरी प्रिपेयर करें. और आप ऑल्सो लाइक अपने एलिमिनेशन टेक्निक्स पे भी काम कर सकते हैं. ऐसा कभी नहीं होगा कि जैसे 100 क्वेश्चंस है, सभी को 100 out of 100 क्वेश्चंस पता होंगे. इसमें आप जैसे इंटेलिजेंटली अगर आप 1-2 ऑप्शन को अगर एलिमिनेट कर देते हैं, तो आपका सक्सेस रेट
काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। जैसे एज अ रूल मैं अगर जैसे चार ऑप्शंस है और मुझे चारों के बारे में कुछ आइडिया नहीं है तो मैं उसे टच नहीं करती थी, लेकिन अगर मैं एक दो ऑप्शन अगर मैं एलिमिनेट कर पाऊँ तो मेरा सक्सेस और फेलियर का रेशियो जैसे 50-50% हो गया, लेकिन अगर सक्सेस हुआ तो 2 मार्क और अगर फेलियर हुआ तो 0.6 मार्क ही कटेंगे। तो 50-50 चांस मैं जनरली आई यूज़ टू टेक। सो आप भी अपना थियोरटिकल कमांड भी रखें और एलिमिनेशन टेक्निक पे भी काम करें। तो ये हो गया प्रिलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों मैंने कवर करने का कोशिश किया। और सिंस आई वाज अ वर्किंग कैंडिडेट, तो जैसे वर्किंग कैंडिडेट्स का ये एक लगा रहता है कि हम थोड़ा स्केयर्ड रहते हैं कि हमारे पास इनफ टाइम नहीं है, मे बी हम दूसरों के साथ जो 10-10 घंटे प्रिपेयर कर रहे हैं मे बी हम उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है। मैं एज अ रूल मैं एवरी डे जैसे ऑफिस के बाद 4-5 घंटे मैं फुल प्रिपेयर करने का कोशिश करती थी, और जैसे सैटरडे संडे में मैं लाइक जितना हो सके उतना आवर्स देने का कोशिश करती थी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू बी ट्रू टू योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि आप टेबल पे 10 घंटे बैठे हैं लेकिन आप पढ़ रहे हैं सिर्फ 2 घंटे, ऐसा नहीं है। अगर आप 4 घंटे बैठे हैं तो 4 घंटे आप लगाइए मन से। तो एक चीज़ मैंने क्या की थी, मैंने एक शेड्यूल बनाया था, तो हर चीज़ का मैं शेड्यूल बनाती थी, जैसे एक हफ्ते में कितना पूरा करूँगी या एक दिन में कितना पूरा करूँगी, एक महीने में कितना, सो दैट लाइक जब एग्ज़ाम नियर आते हैं मुझे ऐसा पैनिक अटैक ना हो। सो जैसे स्पेशली वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शेड्यूल और हम अपना टाइम मैनेजमेंट सही से करें। और विथ लाइक नॉर्मल कैंडिडेट्स आप भी, ये कोई लाइक एक हिंड्रेंस नहीं है, दिस इज़ नॉट अ हिंड्रेंस। आपका आप अगर वर्किंग हो या आप अगर कहीं में पढ़ाई कर रहे हो, दिस इज़ नॉट अ हिंड्रेंस। इनफैक्ट ये बहुत मेरे हिसाब से एक, अगर आप वर्किंग होते हैं तो ये एक बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टिंग टूल भी है। आप फाइनेंशियली भी सिक्योर हैं। जैसे मुझे अभी भी याद है जब मैंने एंट्री किया था अपने इंटरव्यू बोर्ड में, द फर्स्ट थिंग द चेयरमैन सेड वाज, ओ यू आर फ्रॉम RBI, सच अ प्रेस्टिजियस जॉब, सच अ ब्रिलियंट करियर, ऐसे। सो उनका भी एक्सप्रेशन अच्छा रहता है अगर लाइक इफ़ यू आर वॉकिंग इन एंड दे नो दैट यू आर ऑलरेडी एन ऑफिसर। सो आप अगर वर्किंग हैं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना टाइम मैनेजमेंट सही से करें और प्रिपेयर करें। और लीव का भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा लीव चाहिए। जैसे मैंने प्रीलिम्स के लिए मुझे 10 दिन का लीव मिला था, मेंस के लिए अराउंड 1 मंथ का, और 1 मंथ 40 डेज का, और इंटरव्यू के लिए अराउंड 7 डेज का। आप डेडिकेटेडली अगर आप टाइम टेबल फॉलो करेंगे एवरी डे, अगर आप लाइक 4-5 घंटे निकालेंगे और लाइक सैटरडे संडे लाइक और कुछ भी छुट्टियाँ में अगर एक्सटेंड करेंगे, सो यू कैन वेरी वेल डू इट। इस बार मैंने देखा कई सारे वर्किंग कैंडिडेट्स भी हैं लिस्ट में। और जैसे कि मैंने कहा, मैं RBI में एज ग्रेड बी ऑफिसर एम्प्लॉयड हूँ, और मैं ये पक्का कह देना चाहती हूँ कि RBI एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। RBI ग्रेड बी बहुत रेस्पेक्टेड जॉब है और बहुत सेटिस्फाइंग जॉब भी है। इवन विद इन इंडिया भी आपका बहुत एरियाज ऑफ वर्क है, आउटसाइड इंडियाज भी आपका कहीं बहुत अपॉर्चुनिटीज़ RBI देती है। पेस, पर्क, सर्विसेज, हर एक चीज़ में RBI अच्छी है। इवन लोग अच्छे हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी प्रोफेशनल हैं, तो RBI भी आप एज अ करियर ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हैं। जैसे मेरा कोई इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं रहा है, लेकिन RBI के एग्ज़ाम के लिए मुझे जब मैंने सिविल सर्विसेज के दौरान जो मैंने प्रिपरेशन की उससे मुझे बहुत हेल्प हुई। और इवन दो मेरा कोई इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं रहा, मेरा RBI में रैंक 7 आया था ऑल इंडिया। सो RBI भी अलॉन्ग विद सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन आप ट्राई कर सकते हैं। सो इन दी एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ये ना सोचें कि UPSC एक बहुत रॉकेट साइंस है, ओनली लाइक द मोस्ट ब्रिलियंट और मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल आर क्लियरिंग इट। ऐसा नहीं है, बहुत ऑर्डिनरी लोग हर साल क्लियर कर रहे हैं। कोई कर सकता है, मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आप बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपना पूरा प्रयास करें, अगर आपसे कोई गलतियां हो रही हों तो उन्हें करेक्ट करें, उन्हें आइडेंटिफाई करें और करेक्ट करें। अगर आप न्यू कमर हैं और आपसे कोई गलतियां नहीं भी हो रही हो तो आप दूसरों की गलतियां देखें और उनसे सीखें, ताकि आप यहां पे जल्दी पहुंच पाए। मुझे यहां पहुंचने में कुछ टाइम लग गया, आई होप कि आप यहां जल्दी पहुंच सकते हैं। और फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग या फिर कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, अगेन दैट इज़ नॉट अ डिबिलिटेटिंग फैक्टर, वो कोई परेशानी का विषय नहीं है। विथ वर्क और विथ स्टडीज़ भी आप पूरा अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली हो। आप अगर देखना चाहें तो मैंने अपने ब्लॉग में भी डिटेल्ड आंसर राइटिंग और क्या क्या हम गलतियाँ अवॉइड कर सकते हैं उसके बारे में भी मैंने लिखा है।
और फाइनली मैं डीकेटी को धन्यवाद कहना चाहूँगी, दिल्ली नॉलेज ट्रैक। आप दिल्ली से त्रिवेंद्रम, मैं अभी त्रिवेंद्रम पोस्टेड हूँ, सो आप दिल्ली से त्रिवेंद्रम आए केरला और मुझे मेरी बातें शेयर करने का मौका दिया। सो थैंक यू वेरी मच डीकेटी, एंड आई होप, आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन वाचिंग दिस। थैंक यू।